नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चंस थे कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत वैकेंसी आई है टीजीटी और पीआरटी की, तो उनके फॉर्म कैसे फिल करने। काफ़ी साथियों को जो फॉर्म फिल करने उनका लिंक नहीं मिल पा रहा है, वो सर्च नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया था, लेकिन उसके अंदर वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अगर आपको टीजीटी का फॉर्म फिल करना है तो टीजीटी वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर दें, और अगर आपको पीआरटी का फॉर्म फिल करना है तो आप उस पर क्लिक करके आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चन और थे कि जो ये फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये फॉर्म है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, परमानेंट टीचर्स के नहीं है, मेरिट बेस होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे 10th की परसेंटेज है, 12th की परसेंटेज है, जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उनका सिलेक्शन होगा, और ये लगभग 2-2.5 महीने के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाएगा और हो सकता है आगे भी रख लें, लेकिन अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2-2.5 महीने का है। 18 जनवरी को जो रिजल्ट आ जाएगा, 13 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो साथियों अभी आपको बता देता हूँ आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने जो लिंक दिया है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, तो इसमें आप RRS रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने TGT और PRT के पेज ओपन हो जाएंगे, न्यू लिखा हुआ है जो आपके सामने, तो PRT और इसके ऊपर है जो TGT, तो जिसका आपको फॉर्म फिल करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें आपने PRT पे जैसे क्लिक किया है तो आपके सामने नीचे आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये नीचे दिख रहा है आपको, कई ऑप्शन आएंगे ऊपर, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है प्राइमरी टीचर। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आप ये फॉर्म देख पा रहे होंगे, ये प्राइमरी टीचर का फॉर्म है। तो इसमें क्या है, नेम वगैरह आपको, फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मैट्रिक में है वो उसी टाइप से डालनी है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और है, इसमें क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और परसेंटेज बेस पे होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके बाद इसमें क्या है कि नो करेक्शन, जो भी आपने डिटेल फिल कर दी कोई करेक्शन नहीं होगा, और सीटेट की डिटेल कॉलम नंबर 14 में होगी। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको करना है, सिलेक्ट पोस्ट, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप आराम से फिल कर सकते हैं। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद सिलेक्ट पोस्ट, तो पोस्ट के लिए ये प्राइमरी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आराम से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और जो टीजीटी का है वो भी इसी टाइप में होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे टीजीटी, तो जैसे आप TGT पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी टाइप की जो डिटेल है वो ओपन होंगी, आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाएंगे TGT में भी, इसके बाद आपके सामने सेम टू सेम डिटेल रहेंगे। तो साथियों आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने सीधा लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके सीधा अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं PRT और TGT। TGT वाले TGT पे क्लिक करें, PRT वाले PRT पे। तो साथियों धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।